चलते हैं सेकंड वाले अपने मेथड की तरफ, रो आईडी। रो आईडी क्या बताया था? रो आईडी एक सूडो कॉलम होता है। क्या करता है? बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करता है जैसे मेरे टेबल के एक्चुअल कॉलम रिएक्ट करते हैं। बेनिफिट क्या है? डुप्लीकेट डेटा को फाइंड आउट करने में, या मेरे डेटाबेस में किसी भी टेबल का जो रिकॉर्ड सेव्ड है उसका एक्चुअल फिजिकल एड्रेस क्या है, मेरी ड्राइव के अंदर, मेरे किसी भी जहाँ पे भी मेरी मैग्नेटिक ड्राइव होती है, डेटाबेस के अंदर जो भी कुछ है उसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं उसको फाइंड आउट करता है रो आईडी। तो ये बट ऑब्वियस है, क्लियर है कि भाई कोई भी चीज़, ये मैंने पहले ही बताया था, कोई भी दो चीज़ें कभी भी एक कोऑर्डिनेट पे नहीं हो सकती हैं। अगर एक पे कोई कह भी रहा है तो वो तो हॉरिजॉन्टली डिफर करेंगी या वर्टिकली डिफर करेंगी, ठीक है? तो वो एक जगह पर कभी भी नहीं हो सकता है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेबल को जो बनाई थी ड्रॉप कर रहा हूं, ड्रॉप टेबल, दिस टेबल नेम, ये टेबल मेरी ड्रॉप्ड हो गई। आप चलते हैं अपने इस वाले सिनेरियो के पास कि डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करना है रो आईडी के बेसिस पे। मिन मैक्स की कहानी यहां भी चलेगी कि सबसे पहले जो डेटा फिजिकल एड्रेस में आया, मतलब आप ऐसा समझ लो कि आप एक क्यू में खड़े हो, जैसे फर्स्ट कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया तो दूसरा आने वाला उसके पीछे लगेगा, तीसरा वाला उसके पीछे लगेगा, चौथा, तो कभी भी दो बंदे एक जगह पे नहीं हो सकते, ठीक है? जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहली और छोटी लोकेशन पे ही होगा, जो सबसे बाद में आया है वो सबसे बाद में और पीछे की लोकेशन पे होगा। तो ये तो मैंने क्यू का कंसेप्ट बताया, बट डेटाबेस में ऐसा नहीं है। डेटाबेस में ऊपर नीचे छोटे बड़े में कहीं भी आ सकता है, बट रो आईडी मिन मैक्स में इजीली निकाल सकता हूं, क्योंकि रो आईडी बनती किससे? रो आईडी को अगर आप पूरी तरह से पढ़ोगे तो सूडो कॉलम रो आईडी है, उसको पूरी तरह से पढ़ोगे तो रो आईडी का जो कितना, देखो इसमें देखते हैं कितने कैरेक्टर का रो आईडी बनता है, वो एक प्रॉपर एक एड्रेस बताता है। टेबल क्रिएट करिए समझाने के लिए आपको, ये टेबल है, ऊपर भी क्रिएट की थी, क्यों ड्रॉप कर दी, मुझे लगा कि इसमें कोई चीजें आपको नई चीजें मिलेंगी, तो ये लेट्स से सेम डेटा मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, वन रो इंसर्टेड, टू रो इंसर्टेड, सेम कंसेप्ट है, थ्री रो इंसर्टेड, कुछ डेटा डुप्लीकेट कर लेते हैं बार बार इंसर्ट करके, बीच में भी ऊपर नीचे इंसर्ट कर दो, अगर किसी को ये लग रहा हो कि सीक्वेंस ऐसे कैसे आ रहा है, कैसे भी इंसर्ट कर दो, इसको कंटिन्यूस कर दो, फिर इसको कर दो, इसको कर दो, दो बार कर दो, तीन बार कर दो, कमिट कर लो। अब मेरा डुप्लीकेट डेटा मेरे पास है, चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे? ऑर्डर बाय कर लेते हैं नंबर पर, ऑर्डर बाय वन। इसमें ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि पूरा कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर बाय वन पे करता हूं, आईडी स्पेसिफिक कॉलम नहीं है इसलिए मैंने टेबल को ड्रॉप किया, आईडी स्पेसिफिक कॉलम है ही नहीं मेरे पास। तो अब मैं डुप्लीकेट कैसे निकालूंगा? नंबर मेरा ये अब तो सीधे सीधे रो ही दिख रही है मुझे पूरी पूरी डुप्लीकेट। उस टाइम पे कम से कम ये तो था कि आईडी मेरे पास आ रही थी कि भाई आईडी मेरी यूनिक है, बट अब की तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये डुप्लीकेट है। अब मैं कैसे हटाऊंगा? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक रो आईडी का कॉलम भी डाल दूंगा। कैसे? इस तरीके से, सीक्वल डेवलपर पे चलाओगे सीधे दिख जाता है, बट यहाँ पर ये हाइडेड रहता है, इसे चेकबॉक्स ऑन करना पड़ता है। अब आपको देखो ये रो आईडी का कॉलम दिख गया। रो आईडी को इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना है तो ये प्रॉपरली बताता है कि फर्स्ट तीन करेक्टर किस चीज के लिए, लास्ट के चार करेक्टर किस चीज के लिए, बीच के एट या नाइन जो भी है वो किस चीज के लिए, वो प्रॉपरली एक लोकेशन को डिफाइन करता है कि ये सेक्टर का नंबर है, ये ड्राइव का नंबर है, ये मेरे जहां पे डिस्क में सेव है, ये इस तरीके से इसी पूरे एक जो अल्फा न्यूमेरिक आप कह सकते हो इसके अंदर ये पूरा एक प्रॉपर, जैसे पैन कार्ड होता है, जैसे जीएसटी नंबर होता है, कि हर करेक्टर का कुछ मीनिंग है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो रो आईडी बन रहा है इसका कुछ मीनिंग है। रो आईडी को पढ़ लेना, बट इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा यूज में आता नहीं है, आना चाहिए, बस यूज करना आना चाहिए मुझे, ठीक है? ये हो गया।
आगे बढ़ते हैं। अब डिलीट कैसे करेंगे डुप्लीकेट को समझते हैं। मिन मैक्स की कहानी समझ चुके हैं। तो जहां पे मेरा अभी आईडी यूज हो रहा था वहां पे मैं रो आईडी यूज करना स्टार्ट कर दूंगा सेम कंसेप्ट के तरीके। बट उससे पहले डुप्लीकेट डेटा को मुझे पकड़ना आना चाहिए कि किसके अंदर कितने डुप्लीकेट हैं। कैसे पकड़ेंगे? एक तरीका है, सबसे पहले चलाता हूं अपनी टेबल का सेलेक्ट, चला भी हुआ है। कितने रिकॉर्ड्स है मेरे पास? मेरे पास रिकॉर्ड है 14, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसमें डुप्लीकेट कितने हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक तरीका है अपने ऑर्डर रिकॉर्ड्स को पता करने का, ये सारे कॉलम लिख दो, आगे डिस्टिंक्ट लगा दो, सिंपल चलाओ। ये बता देगा कि भाई तीन तो आपके यूनिक हैं, अदर देन थ्री जितने भी हैं वो डुप्लीकेट हैं। कितने थे टोटल? 14। तो थ्री तो मेरे डिस्टिंक्ट, तो 11 मेरे पास डुप्लीकेट डेटा है जिसको मुझे हटाना है। काउंट कैसे पता करूं कि किस वाली रो के अगेंस्ट, इस वाली रो के अगेंस्ट कितने रिकॉर्ड मेरे डुप्लीकेट है? सिंपली काउंट लगा दो, ग्रुप बाई ऑलरेडी लगाया हुआ है आपने, पता लग गया। इसके अंदर 5 डुप्लीकेट है, इसके अंदर 5 डुप्लीकेट है, इसके अंदर 4 डुप्लीकेट है, और 4 नहीं, ये देखो कितने 14 हो गए। इनमें से एक एक कम कर दो। क्यों? क्योंकि ये अपने आपको भी तो काउंट कर रहा है ग्रुप बाई में। अगर मैं इसको -1 कर दूं, यहां पर इतने इतने मेरे डुप्लीकेट हैं कि फर्स्ट सेट में 4 डुप्लीकेट हैं, दूसरे सेट में 4, तीसरे में 3, तो 4, 4, 8 and 3, 11 रिकॉर्ड मेरे डुप्लीकेट हैं। अब इस पे काम कैसे करना है? काम सिंपली ऐसे करना है, सिंपली पता लग गया कि मेरी रो आईडी यहां पे दे लेता हूं, ये आ गई। कॉलम को आप आगे पीछे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो टोड़ के अंदर, ठीक है। आ जाओ भाई इधर, आ जाओ, ये लगाया, इसको इधर कर सकते हो। ये मेरी रो आईडी सबसे लास्ट में आ गई, कहीं भी कर सकते हो देखने की, वो तो एक अलग ही एडिटर का ऑप्शन है, ठीक है। अब रो आईडी के बेसिस पे डुप्लीकेट करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट चला के दिखाता हूँ आपको कि जो डेटा सेलेक्ट हो रहा है वो कैसे आ रहा है। सेलेक्ट ये किया, क्लियरली बोल रहा हूं कि मिनिमम रो आईडी निकालो बेस्ड ऑन ग्रुप बाई लगा करके, कि जो डेटा को आप ग्रुप कर रहे हो उसके बेसिस पे मिनिमम वाली रो आईडीज को मैं क्या कर रहा हूं, नॉट इन कर रहा हूं। नॉट इन कि मिनिमम जो सबसे पहले डेटा है उसको छोड़ दो। किसके बेसिस पे छोड़ दो? बेस्ड ऑन दिस। इसको चला के दिखाता हूं, तीन ही रिकॉर्ड यहां पे आने चाहिए, तीन रिकॉर्ड, मतलब इन तीनों को छोड़ दो, अदर देन दिस जो भी कुछ है उसको डिलीट कर दो। चला के देखते हैं, 11 रोज मेरी यहां पे आनी चाहिए जो डिलीट होनी है, ठीक है। रो आईडी से मिन मैक्स लगा दो, फर्क नहीं पड़ता, मिन वाला रखना चाहते हो या मैक्स वाला, वो आपके ऊपर है। सिंपली इसको रन करोगे, ये किया, 11 रोज आपके डिलीट हो जाएंगे। रिकॉर्ड चला के देखोगे, यूनिक रिकॉर्ड आपको 3 इजीली मिल जाएंगे। तो ये कहानी हुई डुप्लीकेट डेटा को फाइंड करने की और डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करने की, या उस पर कोई एक्टिविटी करना है। लेट से हर डेटा को आपको यूनिकली कोई की देना है या कुछ नंबर अपडेट करना है, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि डुप्लीकेट डेटा को फाइंडिंग्स में कोई गैप है या कोई आपको नहीं समझ में आया। कुछ हो नोट डाउन करके रखना, हम आज ही के सेशन में डिस्कस करेंगे।